हेलो सीए फोक्स, वेलकम टू द चैनल। वेलकम इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी कोई लोग है जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं रिविजनरी वीडियोस। अभी भी कोई ओल्ड सिलेबस का बचा हुआ है जो अभी भी प्रॉब्लम में कि यार मैं ओल्ड में इसका निपटा लूँ कि मैं ओल्ड से न्यू में शिफ्ट हो जाऊँ। फिर एक थोड़ा सा डाइस लगता है कि यार न्यू में तो नया सब्जेक्ट आ जाएगा, न्यू में तो क्या रहेगा नया, चलो ऐसा करते हैं इसका वापस पढ़ लेते हैं। फिर इसका पढ़ने बैठते हैं, इसका पढ़ने बैठते इसका समझ में आता नहीं है, तो इसका समझ में आता नहीं तो YouTube की तरफ जाते हैं। YouTube की तरफ जाते हैं तो YouTube में फिर वीडियोस देखते हैं, रिविजनरी वीडियोस देखते हैं। रिविजनरी वीडियोस में फैकल्टी पढ़ाता है, वो अपने नोट से पढ़ाता है, तो हमें ऐसा लगता है, हमारे पास एक और बहाना आ जाता है, हमें ये लगता है कि मैंने तो इस नोट से पढ़ा था, सामने वाले ने तो दूसरे नोट से पढ़ाया है। अब सामने वाला अगर नोट्स की लिंक दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स की लिंक नहीं दे तो हम उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार उसने ऐसा पढ़ाया, मैंने ऐसा पढ़ा है, उसने अपने नोट्स में ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाया, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक बार स्टडी मटेरियल को ही पढ़ा जाए, क्योंकि स्टडी मटेरियल एक ऐसा जो मटेरियल है जो सबके पास है, इसमें ऐसा कोई फैकल्टी वाला इशू नहीं है। मैंने भी मेरे नोट्स से ही पढ़ा था चैप्टर 7, फिर चैप्टर 7 समझ में आया तो मुझे लगा कि यार क्यों ना एक बार जो चीज़ आती है क्यों ना YouTube के थ्रू एक बार शेयर करा जाए, अच्छा लगेगा लोगों को, बुरा भी लगेगा तो एटलीस्ट कमेंट कर देंगे। तो इसको देखते हुए फिर स्टडी मटेरियल पढ़ने की इच्छा हुई, लगा क्या स्टडी मटेरियल में पेजेस ज़्यादा है पर कंटेंट निकालो तो निकाल सकते हैं हम कंटेंट हमारे काम का और प्रॉपरली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पर वही बात है कि स्टडी मटेरियल बनाने वालों ने भी थोड़ा सा इतना बना के रखा है उसको इतना कि जो दिखने में भी अट्रैक्टिव नहीं है, एंड ऐसा कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा लगता है कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है और बोल्ड इटैलिक्स और अंडरलाइन करके प्रेजेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ने का है हमको, तो इसलिए फिर मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ा, लगा कि चलो स्टडी मटेरियल के थ्रू लोगों को डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और लोगों को ऐसा भी लगेगा कि यार कुछ हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, रादर देन जब फैकल्टी के नोट से पढ़ते तो ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ छूट तो नहीं गया। तो एटलीस्ट जब स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो वो एक जो दिमाग में जो फितूर चल रहा है तो वो तो नहीं रहता एटलीस्ट। तो इसलिए ही ऐसे करके हम सबसे फर्स्ट हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर 7 ईजी है, सिंपल सी बात है यार, ईजी है तो ईजी चीज़ों से पहले स्टार्ट करो ना, बात का बाद में देखेंगे। जैसे हम चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे जब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है तो एजाइल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्टार्टिंग में हम सबको बता देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ऐसी बातें होंगी, तो चलो ठीक है उसकी बातें तो वहाँ पे ही करेंगे। तो चैप्टर 7 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी इश्यूज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी इश्यूज ये चैप्टर का नाम है, पर देखा जाए ना तो इस चैप्टर में तीन चीज़ें, आईटी एक्ट जो है वो तो है ही, प्लस उसके साथ है साइबर फ्रॉड एंड साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अपने आप में एक अलग चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर 7 के अंदर एक और चैप्टर है जो है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में तीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है। एक तो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्लान जो कांग्रेस की सरकार में आया था, आप समझ जाओ फिर कैसा आया होगा। फिर आता है, उसके बाद आता है ऐसे 402 कभी करके, कभी थोड़ा सा एक दो लाइन की बातें करी ऐसे 402 में। फिर उसके बाद बात करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी की। फिर उसके बाद बात करी है कुछ एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, हाँ एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है ISO 27001, ऐसे करके इसमें बात करी गई है। अब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में जब ये चार सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की बात करी है तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 7 को, थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 7 को। स्टडी मटेरियल में 7.1 से 7.14 के अंदर बाइफर्केट कर रखा है। 7.1 बेसिकली इंट्रोडक्शन का होता है और 7.14 जो समरी का होता है, जो चार चार पाँच पाँच लाइन के होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ले दे के 14 में से हमको 12 टॉपिक पढ़ने हैं, 12 टॉपिक में अराउंड 10 से 11 टॉपिक तो आपका आईटी एक्ट के ही है, फिर 12 13 14 जो है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के हैं। तो ऐसे करते हुए हम सब 7.1 स्टार्ट करते हैं। 7.1 जो है आईटी एक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब स्टडी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक लाइन घोट के पढ़नी है, नहीं है हमारे पास टाइम, हमारे पास 8 सब्जेक्ट है। तो ऐसे करते हुए अब हम समझते हैं कि 7.1 में द आईटी एक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, द आईटी एक्ट की बात करिए। द आईटी एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000 में, 17 मई 2000 है, मई 2000 लिख दो, 2000 लिख दो, बस आईटी एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये वाला पेज में बस यही है पढ़ने का, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है।
अगर इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे 7.2 में, तो बाकायदा बहुत सारी बकवास करी गई है, ठीक है, और आखिर में पर दे के रखा है ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट, यार आईटी एक्ट लाएं तो क्यों लें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है लाने का। तो इस ऑब्जेक्टिव को स्वप्निल पाटनी से जो बड़ा होगा वो तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने भी बता के रखी है, बट मैंने क्या कह रहा था कि मैंने भी सब बाइफरकेट करके रखा था, मुझे भी कभी कभी कुछ निमोनिक नहीं समझ में आते थे, तो मैंने भी अपने निमोनिक बनाए, और फिर कुछ निमोनिक को और कुछ इसमें मैंने ऐसा बाइफरकेट करा है कि जो आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को तीन हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है, लीगल रिकॉग्निशन, फैसिलिटेशन और अमेंडमेंट। लीगल रिकॉग्निशन, इस एक्ट से लीगल रिकॉग्निशन मिला है। लीगल रिकॉग्निशन किस किस को मिला है, ये मतलब कि ये एक्ट आया है तो लीगल रिकॉग्निशन मिला है, मतलब पहले इन चीज़ों को लीगल रिकॉग्निशन नहीं था, वो तो ये एक्ट आया है तो लीगल रिकॉग्निशन मिला है। तो लीगल रिकॉग्निशन किन किन को मिला है, लीगल रिकॉग्निशन मिला है ट्रांजैक्शन जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इंटरचेंज होता है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, लीगल रिकॉग्निशन है ट्रांजैक्शन कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वो ट्रांजैक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली ही डेटा इंटरचेंज होता है जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, उसको लीगल रिकॉग्निशन मिला है। और किसको लीगल रिकॉग्निशन मिला है, फिर बात आती है जो मैंने ग्रे में हाईलाइट करके रखा है वो सब लीगल रिकॉग्निशन की बात है। फिर सेकंड लीगल रिकॉग्निशन का है कि लीगल रिकॉग्निशन मिलती है डिजिटल सिग्नेचर्स को। फिर थर्ड है लीगल रिकॉग्निशन मिलता है बुक्स ऑफ अकाउंट की, इसमें है बोलते हैं कि लीगल रिकॉग्निशन मिलता है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने को, मीन्स अगर बैंकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे, मैंने क्या बोला बैंकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे तो उसको भी लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तीन लीगल रिकॉग्निशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बैंकर्स और सिग्नेचर, ठीक है। फिर आता है फैसिलिटेट, आईटी एक्ट के थ्रू फैसिलिटेशन हमको हेल्प मिलती है। आईटी एक्ट ने इन सब चीज़ों को अलाउ करके रखा है, कि इन सब चीज़ों को अलाउ करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फैसिलिटेट को ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखा है। और एक चीज़ आती है अमेंडमेंट की, क्या होता है कि कोई आईटी एक्ट आने से पहले भी कोई से एक्ट बने हुए थे, जैसे इंडियन पीनल कोड, जैसे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उस एविडेंस एक्ट में आईटी एक्ट के आने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए होंगे, तो वो जो चेंजेस है वो आईटी एक्ट आया उसके कारण इन सब एक्ट में भी चेंजेस करने पड़े। तो ये ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया कि इसके एक्ट का आने का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो ये पुराने एक्ट हैं इनको भी अमेंड करा जाए। तो ये सब चीज़ें इस आईटी एक्ट और आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव में बताई गई है। एक चीज़ ये भी थी इसमें की इश्यूज़ के बारे में भी बात करी गई है, तो वो की इश्यूज़ हैं ऑरा, उसका निमोनिक रखा है ऑरा, ऑ से है ऑथेंटिकेशन, आर से है रिलायबिलिटी एंड ए से है एक्सेसिबिलिटी। ऑथेंटिकेशन मीन्स कि आईटी एक्ट आने से, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आने से, आईटी एक्ट ने क्या है सबको अलाउ कर दिया क्या तुम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करो, इलेक्ट्रॉनिकली ही तुम ट्रांजैक्शंस को करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अलाउ तो कर दिया, हर चीज़ को अलाउ करेंगे तो कोई ना कोई से तो इश्यूज़ अराइज़ हो ही जाते हैं, तो आईटी एक्ट में भी ऐसे ही हो जाता है क्योंकि ये इश्यूज़ अराइज़ हो गए। अब अमेज़न से मैंने ऑर्डर करा, क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, मैंने सिस्टम से ऑर्डर करा, क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये सिस्टम से जो मैंने करा है वो अमेज़न के पास गया होगा और अमेज़न ने उसको अप्रूव करा होगा और ये ऑर्डर प्लेस हो गया होगा, ये शूज़ मेरे को डिलीवर हो जाएंगे, इसी की ऑथेंटिसिटी है, ये दिक्कत आ रही थी। फिर रिलायबिलिटी, कुछ फिज़िकल एविडेंस ही नहीं है, तो सिंस इसके कोई से भी ट्रांजैक्शन का फिज़िकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो जैसे हम जो ट्रेडिशनल जो हमने ऑडिटिंग करी है, जो हमने आर्टिकल शिप में ट्रेडिशनल ऑडिटिंग भी करी है, तो उस ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास फिज़िकल डॉक्यूमेंट हर चीज़ के रहते थे, तो हम बकायदा उसका ऑडिट हम प्रॉपरली कर पाते थे, और बकायदा दिखता था कि यार रिलायबल है कि यार चलो ठीक है माल आया है, इन्वॉइस आया है, तो हमारे पास इन्वॉइस का एक फिज़िकल डॉक्यूमेंट होते थे।
पर रिलायबिलिटी आईटी एक्ट में तो सब कुछ ही इंटरनेट के थ्रू होता है। जैसे बैंक ऑडिट हम कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। जैसे आप किसी ने Gaana.com का ही ऑडिट कर लिया, Gaana.com जिसने बनाया है वहीं का ही ऑडिट कर लिया, और वहाँ से देख के उनको समझ में आया कि यार लोग सब्सक्राइबर कैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको, और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा है, ये तो सब सर्वर के थ्रू हो रहा है, पेमेंट का मोड भी पेटीएम से हो रहा है, पेमेंट के लिए भी सिक्योरिटी लगा के रखी है, तो ये सब वर्क कैसे कर रहा है? ऑडिट ट्रेल तो इनको मिल ही नहीं रही है। तो पहले तो ऑथेंटिकेशन क्या, हमको समझ, एक अमेज़न का एग्जांपल ले लिया कि ऑथेंटिकेशन में क्या जेन्युइननेस समझ में नहीं आती, रिलायबिलिटी मतलब कि मैं रिलाय कैसे करूँ इस पर, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। फिर थर्ड एक्सेसिबिलिटी, अगर एज एन ऑडिटर जब मैं ऑडिट करने जाऊँगा तो यू जब हम ट्रेडिशनल का ऑडिट करने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि परचेस की फाइल निकाल दो, सेल की फाइल निकाल दो, एक्सपेंसेस की फाइल निकाल दो, पर इधर एक्सेसिबिलिटी में मेरे को तो इसका ऑडिट ट्रेल ही समझ में नहीं आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ डू वी गेन एक्सेस, मैं ट्रांजेक्शन का एक्सेस कैसे कर पाऊँगा, और ट्रांजेक्शन का एक्सेस कर भी लिया तो मैं उसको ऑथेंटिकेट कैसे कर पाऊँगा, जो ट्रांजेक्शन डिजिटल फॉर्म में है मुझको उसका ऑडिट ट्रेल कैसे समझ में आएगा, और ऑडिट ट्रेल को मैं कैसे ऑथेंटिकेट कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें, ये की इश्यूज़ जो इलेक्ट्रॉनिक के आने से हो गई थी, क्योंकि ऐसा हुआ है जब भी हम फर्स्ट टाइम बैंक ऑडिट करने गए थे, जब भी मैं फर्स्ट टाइम बैंक ऑडिट करने गया था तो मेरे को भी इशू आ रहा था, मेरे को भी समझ में आया था कि कैसे ऑडिट करूँ यार, मैं तो ट्रेडिशनल ऑडिट किए हैं फर्स्ट ईयर में, और ऐसे में फिर जब अप्रैल में बैंक ऑडिट आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि इसका बैंक ऑडिट करे कैसे, क्या करे, कैसे चेक करे। तो ये सब चीज़ें इशूज़ अराइज हो जाते हैं। तो आईटी आने से भी ये जो आईटी जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, तो इससे ये स्टार्टिंग में की इशूज़ आए थे ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का। तो ये बातें 7.1 में करके रखी है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद 7.2।